हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, हम लोग अपना क्लास चौथा लेसन प्रोज का राइट ट्रैप चैप्टर कवर कर रहे थे। उसके तीन पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि राइट ट्रैप सेलर था जो एक बूढ़े आदमी का करनोट चुरा लेता है और जाके एक फैक्ट्री में जाके छिप जाता है। तो फैक्ट्री का मालिक आता है और वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। इन दोज डेज, उन दिनों, द रैमजे आयरन मिल, जिस मिल में वाके छिपा था उसका नाम था रैमजो मिल। आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उसका एक जो मालिक था वो एक जाना माना आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। जिसकी मुख्य महत्वाकांक्षा थी कि उसके जहाज जो है भर भर के आयरन को, अच्छे आयरन को मार्केट में ले जाएँ। ही वॉज्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। वह रोज़ दिन रात आके ये देखता था कि उसका कार्य अच्छी तरह से संभव हुआ है कि नहीं, यानी आयरन अच्छा बना है कि नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट और क्षण ही केम इन टू द फोर्ज। वह भी फोर्ज में, भट्टी में आ गया। ऑन वन ऑफ इज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, वो रात में इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आया था और वहीं पे आयरन, वो जो राइट ट्रैप सेलर था, सो रहा था। तो देखते हैं क्या होगा। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैग मफिन। स्वभावतः तो पहली चीज़ जो उसकी नज़र पड़ी वो लंबे रैग मफिन पर पड़ी, रैग मफिन में राइट ट्रैप सेलर पर पड़ी। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो आसानी से फर्नेस के पास आ गया था क्योंकि उसे ठंडी लग रही थी। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और इतना वो नज़दीक आ गया फर्नेस के उसके कपड़े से भाप उठने लगी थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने कोई ध्यान नहीं दिया था। हु हैड हार्डली डाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मुश्किल से ही अपना कर्तव्य निभाते अजनबी को नहीं देख पाया था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, आयरन मास्टर उसके नज़दीक गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुल, उसने बहुत ध्यान से देखा उसको। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, तब उसने उसकी जो गोल टोपी थी हटा दिया। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ फेस, जिससे उसके चेहरे को अच्छी तरह देख सके। बट ऑफकोर्स इट वॉज यू, लेकिन जैसे उसने उसके चेहरे को देखा वो कहता है, अरे वास्तव में तुम नील सोल ऑफ ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो, जो रेड ट्रैप सेलर था उसने कभी भी आयरन मास्टर रैमजो को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसे ऐसा लगा, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि अगर यह सज्जन व्यक्ति सोचता है कि वह उसका पुराना परिचित है, ओल्ड एक्वेंटेंस मैंने पुराना परिचित, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कोरोनोर, तो हो सकता है वो उसको कपल ऑफ कॉर्नर दे दे। देयर फोर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वह उसे अपने बारे में कुछ बताए, और वो चाहता था कि डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव, इसका मतलब डिड नॉट वॉन्ट टू डिसीव, वह उसे धोखा देना चाहता था एक बार पुनः, यानी उससे वह कॉर्नर को लालच था। राइट ट्रैप सेलर को तो वह कहता है, यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, हाँ ईश्वर ही जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ था, ही सेड, उसने कहा। तो आयरन मास्टर बोलता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें सेना से या रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, आयरन मास्टर अब भी सोच रहा है कि ये शायद रिजाइन किया हुआ ओलोफ, नील ओलोफ है। दैट वॉज द मिस्टेक, तुम्हारी गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय सर्विस में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी ना होता है, यानी मैं तुम्हें कभी इस्तीफा ना देने देना था। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, और वो कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम हमारे घर आ सकते हो। टू गो एलंग अप टू मैनोर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाई द ओनर लाइक एन ओल्ड जेंटलमैन रेजिमेंट कॉमरेड, दैट हाउवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। टू गो एलंग अप ए मैनोर हाउस, किसी बड़े घर में जाना, मैनर मतलब बिग हाउस में जाना, एंड टू गो एलंग अप ए माइनर हाउस, किसी बड़े घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाई ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, रेजिमेंटल कॉमरेड, और किसी बूढ़े या पुराने रेजिमेंट कॉमरेड के द्वारा उसका स्वागत किया जाना। दैट हाउ आई डिड नॉट प्लीज द ट्रैम, उस रैग ट्रैपलसों के अच्छा नहीं लगा। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं आने के बारे में नहीं सोच सकता, ही सर, उसने कहा। क्वाइट लुकिंग क्वाइट अलार्म, वो अब चौकन्ना नज़र आ रहा था। ही थाट ऑफ द 30 कॉर्नर, वो अपने 30 कॉर्नर के बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस, अगर वो उस मैनर हाउस में जाएगा, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री इन टू द अलायंस डेन, तो स्वेच्छा से अपने आप को शेर की
मान में डाल देना होगा, यानी खुद ही वहाँ फंस जाना होगा। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर, वो यहाँ पे केवल सोने के लिए आया था इन द फोर्ज में, एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सपियसली एज पॉसिबल, और तब वहाँ चुपके से चला जाएगा बगैर किसी को जाने हुए। तो ये सोचता है इनकॉन्सपियसली मैंने अनोटिस्ड, मतलब बगैर देखे वहाँ से चला जाएगा। द आयरन मास्टर रिज्यूम्ड, आयरन मास्टर ये मानता है दैट ही फील्ड एम्ब्रेस्ड, वह शायद लज्जित महसूस कर रहा है बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, उसके पास शायद अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो कहता प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, तो कहता कृपया इस बार सोचो कि मेरा घर बहुत अच्छा है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, और तुम वहाँ पर अपने आप को नहीं दिखा सकते हो या नहीं जा सकते हो। ही सेड, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ कौन है, उसकी वाइफ है। वो कहता है मेरी पत्नी मर चुकी है, एस यू में ऑलरेडी हैव हर्ड, और इसके बारे में आप पहले ही आप जान चुके होंगे। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे लड़के बाहर हैं विदेश में हैं, एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में मेरी बड़ी पुत्री और मेरे अलावा और कोई नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम ये कह ही रहे थे कि हमारे लिए बहुत बुरी बात है कि इस बार हमारे पास क्रिसमस पर साथ देने के लिए कोई नहीं है। नाउ कम एलोंग विथ मी, अब तो मेरे साथ आ जाओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, और मेरे साथ आके क्रिसमस फूड को बहुत जल्दी से क्या करो, समाप्त करो चल के। यानी आयरन मास्टर चाह रहा है कि ये जो राइट ट्रस्ट लवर उसके घर चले और उसके साथ क्रिसमस मनाए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं, एंड नो एंड अगेन नो, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। एंड द आयरन मास्टर सेड दैट ही मस्ट गिव इन, अब आयरन मास्टर को लगा कि उससे ही अपनी हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन सेथिल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट, स्टर्जन स्टॉर्म। तो यहाँ पे इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन सेथिल, ये वॉन सेथिल कौन है, ये नील्स ओलोफ ही है, इसका पूरा नाम था नील्स ओलोफ वॉन सेथिल। तो कहता है इट लुक्स एज दो कैप्टन नील्स ओलोफ वॉन सेथिल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट, ऐसा लगता है कि कैप्टन नील्स ओलोफ वॉन सेथिल जो है वो आज रात अकेले ही रुकना चाहते हैं। सिटर्जन स्ट्रॉम, सिटर्जन स्ट्रॉम कौन है, ये मास्टर आयरन स्मिथ का नाम है। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहा, एंड टर्न टू ऑन हिज, और वहाँ से चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो हंसना लगा जब वहाँ से गए। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ था हुनी हूँ उसको अच्छी तरह जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, वो समझ गया कि उसने क्यों अपने अंतिम शब्द में कुछ नहीं कहा है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हेयर द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, अभी आधा घंटा भी नहीं बीते थे कि फोर्ज के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट कम इन, और एक नया मेहमान आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था, अपरेंटली होपिंग, स्पष्ट रूप से आशा करते हुए, दैट सी वुड बी बेटर पावर्स ऑफ परस्यूशन देन ही हिमसेल्फ, कि वह ज़्यादा उसके अंदर ज़्यादा अच्छी शक्ति है कि वह उसको मना लेगी, यानी राइट टर्सलर को बजाय कि उसके। तो यहाँ पर फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।